बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो चलें अपने व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए। तो एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी और मौसम बहरीन में बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बारिशें भी चल रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी हो गया था वायरल इन्फेक्शन। तो खैर यहाँ पर चल रही है बहरीन में हर जगह पे सेल, तो ये मैंने भी यहाँ से सेल का फ़ायदा उठाते हुए है, तो ये मैं आ गई थी एक्स्ट्रा पे और यहाँ से मैंने ये लिया, लगेज सेट लिया था। ये एक्चुअल प्राइस इसकी थी 44 BD और ये मुझे मिला था 22 BD में, 50% ऑफ में मुझे मिला था। तो खैर यहाँ से मैंने ये सारे जो है परचेज कर लिए। नेक्स्ट डे हम लोग आए हैं लुलू और पार्किंग बिल्कुल फुल है। लुलू वालों ने हमें जो है, ये मस्जिद है सामने उनकी पार्किंग है, तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए बोला है सब लोगों को। सो अभी हम जा रहे हैं, मिडनाइट सेल है, लेट्स सी क्या लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम जैसे ही इंटर हो गए इतना रश था मैं आपको क्या बताऊं, शायद कैमरा में इतना फील ना होता हो, सामने बहुत ही रश था, हमें समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं और मेरी फ्रेंड भी थे साथ में, वो हम जो है शॉपिंग करने आए थे सेल का फ़ायदा उठाते हुए। तो सेकंड फ्लोर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, तो मैंने साईं को बोला कि आप जो है जाएं ऊपर और देखें ऑफ़र में जो मुझे चाहिए था वैक्यूम क्लीनर एक्चुअली, तो वो ऊपर जो है इन लोगों ने रखा हुआ था, यहाँ पे नीचे डिस्प्ले में नहीं था। तो मैंने साईं को बोला बगैर टाइम वेस्ट किए आप जाएँ ऊपर और चीज़ें जो हैं आप ले लें, मैं नीचे जो है जो चीज़ें मुझे नज़र आ जाएंगी मैं बिल करवा लूँगी। तो बस कुछ मैंने चीज़ें ली, कुछ साईं ने चीज़ें ली, तो हमने यहाँ पर शॉपिंग कर ली अपनी मुकम्मल। सबसे पहले आपको दिखाती चलूँ, ये है वैक्यूम क्लीनर तोशीबा का और ये 1800 वाट है, बहुत ही पावरफुल मोटर है इसकी और इसकी कैपेसिटी जो है 20 लीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी 20 लीटर है और ये ड्रम वाला है। तो ये मैंने ले लिया, ऑफ़र में था तो मैंने ये लिया। उसके बाद मैंने ये आप देख सकते हैं केटल, ये मैंने केटल ली, इलेक्ट्रिक केटल, और इसके अलावा ये मैंने वैक्यूम फ्लॉस लिया था, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है, और ये मैंने अपने लिए लिया था स्टेनलेस स्टील का जो है प्रेशर कुकर, और ये वाटर बॉटल भी मैंने अपनी भांजी के लिए ली है, और ये बाकी चीज़ें जो हैं कॉफ़ी राइस और ये सॉल्ट टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, तो ये ऑफ़र में लगी हुई थी तो ये भी मैंने उठा ली साथ में, मैंने कहा चलो फ़ायदा ले लेते हैं इसका। अच्छा एक मैंने ये डस्टर भी लिया है क्योंकि डस्ट हो जाती है बहुत यहाँ पर, इस वजह से मैंने ये भी लिया डस्टर। और ये हेयर बैंड जो है बच्चियों के लिए मैंने अपनी भांजियों के लिए लिया है, ये भी मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे ग्लासेस के साथ हेयर बैंड, तो दो मैंने ये लिए थे। 5 hours later तो ये सुबह का टाइम था, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर की अनबॉक्सिंग और आप लोगों को साथ में दिखाते हैं कि इसके क्या पार्ट्स हैं और कैसे ये अटैच होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। मैंने भी फर्स्ट टाइम लिया है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो इसके साथ ये कुछ एसेसरीज इस लोगों ने दी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम, ये ब्रश है छोटा सा, आप विंडो वगैरह क्लीन कर लें, और बाकी ये जो है स्टिक के साथ लगता है।
तो बाकी मैं आप लोगों को सेट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे हमने जो है इसका सारे जो पार्ट्स मिले थे वो इसको ज्वाइन करके इसको सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं घर की क्लीनिंग। एक्चुअली मैंने तो सारी सफाई कर ली थी और जो है मोपिंग भी कर लिया था घर में, उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं इतनी छोटी छोटी डस्ट पार्टिकल से वो जो है ये निकाल रहा था। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे जो है ना ब्रूम से सही क्लीन नहीं हो पाता, वो रह जाती है, हल्की फुल्की डस्ट रह जाती है। तो मैंने सोचा बस ये ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है कचरा था, और ये मैंने ड्रेसिंग टेबल हटा के जो है पीछे से बिल्कुल क्लीन करने की कोशिश की है कि सारा ये क्लीन हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से इसने काम किया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ, लेकिन जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।